नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का परीक्षा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश विशेष करंट अफेयर्स की जो हम सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं उसका जो पार्ट टू है उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। पार्ट वन को कल हमने अपलोड कर दिया था तथा आज बाकी के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बचे हुए थे आपके उत्तर प्रदेश के, तो उसको आज के वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज का जो पार्ट टू है इसमें हमने कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सम्मिलित किया हुआ है। तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी बनेगी यानी कि बनाई जाएगी। तो भारत की जो सबसे बड़ी फिल्म सिटी यह बनाई जाएगी गौतम बुद्ध नगर में। तो आप याद देखिएगा, गौतम बुद्ध नगर जो है हम बोलते हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा को मिलाकर, यानी कि ग्रेटर नोएडा प्लस नोएडा को मिलाकर जो है हम बोलते हैं गौतम बुद्ध नगर। यहीं पे जो है भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी स्थापित की जाएगी, इसे भी आप याद देखिएगा। तथा नोएडा में ही आप याद देखिएगा जेवर एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। जेवर जो एयरपोर्ट है यह नोएडा में ही बनाया जा रहा है स्विट्जरलैंड की कंपनी के द्वारा, इसे आप ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के मथुरा में किस कंपनी द्वारा आलू के चिप्स का प्लांट लगाया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में जो है आलू के चिप्स का जो प्लांट है लगा रही है पेप्सिको कंपनी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, पेप्सिको कंपनी। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने महिलाओं के टीकाकरण के लिए निम्न में से किस कैंपेन की शुरुआत की है। तो महिलाओं के टीकाकरण के लिए कोविड 19 का जो टीका है उसको लगवाने के लिए एक कैंपेन स्टार्ट किया गया है महिलाओं के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा। तो इस कैंपेन का नाम है स्पेशल पिंक बूथ कैंपेन, यानी कि ऑप्शन जो आपका ए है बिल्कुल सही है, स्पेशल पिंक बूथ कैंपेन। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट के द्वारा यह महिलाओं के लिए स्टार्ट किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 जो है किस मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, काफी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में जो स्मार्ट सिटी 2020 का पुरस्कार है यह जारी किया गया आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा, यानी कि ऑप्शन जो आपका बी है बिल्कुल सही है, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय के द्वारा जो है स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 को जो है जारी किया गया। तथा इस स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2020 में अगर हम स्टेट की बात करें तो स्टेट में नंबर एक पर था उत्तर प्रदेश, उसके बाद मध्य प्रदेश और तमिलनाडु। यहाँ पर स्टेट की बात हो रही स्टेट अवार्ड की, तो इस स्मार्ट सिटी पुरस्कार में स्टेट अवार्ड में फर्स्ट पे था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश सेकेंड पे था और तमिलनाडु थर्ड पे था। वहीं अगर हम सिटीज़ की बात करें, ओवरऑल सिटी की बात करें, तो ओवरऑल में इंदौर और सूरत, इंदौर मध्य प्रदेश का शहर है और सूरत गुजरात का शहर है, इनको संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, इसे भी आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे सिटी की बात हो रही, तो सिटी की अगर बात हो तो इंदौर और सूरत को संयुक्त रूप से प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और राज्यों में उत्तर प्रदेश प्रथम पे है, मध्य प्रदेश द्वितीय पे है और तमिलनाडु तृतीय पे है। तथा इसको जारी किया था आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने। तथा आपको बताना है कि हाल ही में जो हमारा नया मंत्रिमंडल गठित किया गया उसमें जो है हमारे आवास एवं शहरी मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं, आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने भारत के 6 स्थलों को विश्व धरोहर सूची की अस्थाई सूची, मतलब विश्व धरोहर स्थलों की जो है अस्थाई सूची में सम्मिलित किया है। तो आपको बताना है कि अब वर्तमान में इस विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जो है भारत के कुल कितने स्थल सम्मिलित हो गए आपको बताना है। तो जैसे ही इन 6 स्थलों को जो है यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया है, तो इसके बाद भारत के कुल स्थलों की संख्या मिलाकर जो हो गई है 48। आप ध्यान दीजिएगा, टोटल 48 जो स्थल हैं उनको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है भारत के, तो इसे आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में जो 6 नए स्थल जोड़े गए हैं इनमें से उत्तर प्रदेश का जो वाराणसी का गंगा घाट है उसको भी सम्मिलित किया गया, इसलिए करंट अफेयर्स का प्रिंसिप इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो उत्तर प्रदेश के जो गंगा घाट है वाराणसी के जो गंगा घाट है उनको भी इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, उसके बाद सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, उसके बाद मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र, हायर बेंगल मेगालिपिक साइट आपको कर्नाटका, उसके बाद नर्मदा घाटी के भेड़ा घाट मध्य प्रदेश, ये सभी 6 स्थल जिनको जो है यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, वाराणसी के गंगा घाट, इसके बाद कांचीपुरम मंदिर तमिलनाडु, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश,
मराठा मिलिट्री वास्तुकला महाराष्ट्र में, उसके बाद आपका हायर बेंकल मेगालिपिक साइट कर्नाटका में, इसके बाद छठे नंबर पे आपका आएगा नर्मदा घाटी के भेड़ाघाट लम्हेटा घाट मध्य प्रदेश। तो ये छह इंपॉर्टेंट स्थल हैं जिनको हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में जगह दी गई है। इनमें से वाराणसी का गंगा घाट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप ध्यान दीजिएगा। आपको यूपी ट्रिपल एससी पीटी का एग्जाम देना है तो आपको गंगा घाट याद रखना पड़ेगा। इसको जो है हाल ही में और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में सम्मिलित किया गया है वाराणसी के गंगा घाट को, इसलिए करंट अफेयर्स का प्रश्न अपने आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में, जो कि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र भी है, यहीं पे हाल ही में ग्राम उजाला कार्यक्रम की शुरुआत की गई। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन बी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस नगर निगम ने भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया है? काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत का पहला जो नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड है, यह जारी किया है गाजियाबाद नगर निगम ने। राइट आंसर आपका जाएगा गाजियाबाद नगर निगम। इसके बाद जो लखनऊ का नगर निगम था, यह भारत का नौवां नगर निगम बन गया था जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए गए थे। इसे भी आप याद है कि कल मैंने आपको बताया था इसके बारे में। तो उत्तर प्रदेश के लखनऊ का जो नगर निगम, यानी कि लखनऊ का जो नगर निगम है, यह भारत का नौवां नगर निगम बन गया था जिसके द्वारा म्यूनिसिपल बॉन्ड इशू किए गए थे। इसे भी आप याद रखिएगा। तथा हाल ही में जो गाजियाबाद का नगर निगम है, उसके द्वारा भारत का पहला नगर पालिका ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न हैं, इनको आपको याद रखना है। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने किस शहर में रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो रामायण संग्रहालय तथा सांस्कृतिक जो केंद्र हैं, यह स्थापित किए जाएंगे बाराबंकी में, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही है। कहाँ पे? तो बाराबंकी में जो है रामायण संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की जाएगी, जिसे भी आप याद रखिएगा। इसके माध्यम से लोग भगवान राम के संपूर्ण जीवन के भव्य दर्शन कर पाएंगे, जिसे भी आप याद रखिएगा। इस संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र के माध्यम से जो लोग होंगे, जो और टूरिस्ट होंगे, वे जो है भगवान राम के संपूर्ण जीवन का जो दर्शन वे कर पाएंगे इस संग्रहालय में, जिसे आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में जो जगह है, आप याद रखिएगा, इसके यहाँ पे एक घटना घटित हुई थी आपको उस। तो उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में जो है 4 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया था। तो आपको बताना है कि यह जो चौरी चौरा की घटना हुई थी, आपको बताना है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में, आप याद देखिएगा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जो है यह चौरी चौरा की जो घटना घटित हुई थी, यह कब घटित हुई थी, आपको उसका ईयर बताना है। तो 22 को जो है उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा नामक जगह पर जो है यह घटना घटित हुई थी। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में यह स्थान है चौरी चौरा, यहीं पे जो है 4 फरवरी 1922 को जो है यह घटना घटित हुई थी, तथा इसी घटना का जो है शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगले साल यानी कि वर्ष 2022 में इस घटना के जो है 100 साल पूरे हो जाएंगे, इसलिए यह करंट अफेयर्स का प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पेपरलेस बजट, यानी कि कागज रहित बजट पेश किया है। तो आपको बताना है कि पेपरलेस बजट पेश करने वाला यह भारत का कौन सा राज्य बना है? तो उत्तर प्रदेश जो है पेपरलेस बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, भारत का पहला राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश, जिसके द्वारा पेपरलेस बजट यानी कि कागज रहित बजट पेश किया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित किस हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया? तो अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला रखी? तो महाराजा सुहेल देव स्मारक की जो आधारशिला है या कहाँ पर रखी गई, तो बहराइच में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराजा सुहेल देव स्मारक की आधारशिला रखी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है,
हाल ही में उत्तर प्रदेश स्थित झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न है, विद्यावासिनी मंदिर कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जाएगा? तो विद्यावासिनी मंदिर कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में बनाया जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही है, तथा यह उत्तर प्रदेश का दूसरा मंदिर कॉरिडोर है। पहला कौन सा था? तो काशी विश्वनाथ मंदिर जो कॉरिडोर बनाया गया था वह उत्तर प्रदेश का पहला मंदिर कॉरिडोर था, तथा यह विद्यावासिनी मंदिर कॉरिडोर उत्तर प्रदेश का दूसरा मंदिर कॉरिडोर है जो कि मिर्जापुर में बनाया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने यौन उत्पीड़न और महिलाओं के प्रति बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए किस अभियान की शुरुआत की है? तो इस अभियान का नाम है ऑपरेशन दुराचारी, तथा इसके अंतर्गत जो भी व्यक्ति महिलाओं का यौन उत्पीड़न करते हुए पकड़ा जाएगा तो उसकी जो फोटो है चौराहों पर सड़कों पर जो है टांग दी जाएगी उसको शर्मिंदा करने के लिए। तो इस ऑपरेशन को शुरू किया है उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट ने, तथा इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन दुराचारी, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ब्रिटेन के मध्य संयुक्त हवाई अभ्यास इंद्रधनुष का आयोजन किया गया, तो आपको बताना है कि इसका जो आयोजन उत्तर प्रदेश के किस शहर में किया गया? तो जो भारत और ब्रिटेन के मध्य संयुक्त हवाई अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है इंद्रधनुष, इसका आयोजन किया गया गाजियाबाद में एक एयरबेस है जिसका नाम है हिंडन एयरबेस। आप याद देखिएगा, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे जो है इस हवाई युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है इंद्रधनुष, भारत और ब्रिटेन के मध्य। तो आप इसे याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ भारत और ब्रिटेन के मध्य दो और एक्सरसाइज की जाती है, एक तो हो गया आपका अजय वारियर, यह थल सेना के द्वारा की जाती है, और एक हो गया कोंकण जो कि नौसेना के द्वारा की जाती है, तथा यह जो इंद्रधनुष है यह वायुसेना के द्वारा किया गया। कहाँ पे? तो मेरठ, कहाँ पे? तो गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे। तो आप इसे याद रखिए, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे, इसे आपको ध्यान देना है। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है? तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में जो है ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई गई है, यानी कि ऑप्शन जो इसका ए है बिल्कुल सही है। आज का अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के वाराणसी में स्थित किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जो रेलवे स्टेशन था मरवाड़ी रेलवे स्टेशन, इसका नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। अगला है प्रश्न, आपको बताना है कि वह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना की शुरुआत की गई है? तो यह जो योजना है इसके अंतर्गत जितने भी उस राज्य के खिलाड़ी होंगे उनके घरों तक पक्की सड़कें बनाई जाएंगी। तो यह राज्य सरकार है उत्तर प्रदेश, तथा उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उस यहाँ के जितने भी खिलाड़ी हैं उनके घरों तक पक्की सड़कें निर्मित करेगी इस योजना के अंतर्गत। इस योजना का नाम है मेजर ध्यानचंद्र विजय पथ योजना। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस खिलाड़ी ने जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोली है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश रैना, यानी कि ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही, सुरेश रैना ने जो है जम्मू कश्मीर में क्रिकेट एकेडमी खोली है। तो यह हमारा लास्ट प्रश्न था आज के उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स का। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।